लिए हम एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं जिसको हम कहते हैं पॉटर्स फाइव फोर्स मॉडल। किसने दिया हमें? माइकल पॉटर साहब ने दिया, महागुरु ने दिया, बत्रा सर के भी गुरुजी ने दिया। ये हम अच्छे से जानते हैं, दुनिया का कोई भी बिजनेस वैक्यूम में काम नहीं करता, दुनिया का कोई भी बिजनेस कॉम्पिटेटिव इन्वायरमेंट में काम करता है। अगर मैं बात करता हूं, ये रहा जियो, तो जियो के कॉम्पिटिटर कौन कौन है? इनके कॉम्पिटिटर कौन है? तो इनके कॉम्पिटिटर में कौन कौन आ जाता है? एयरटेल आ जाता है, इनके कॉम्पिटिटर में बीएसएनएल आ जाता है, इनके कॉम्पिटिटर में वोडाफोन आइडिया आ जाता है, इनके कॉम्पिटिटर में कई तरीके के लोग आ जाया करते हैं। हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि कई तरीके के कॉम्पिटिटर हमें देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ टाटा की, जो कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में है, तो इनके कई कॉम्पिटिटर हैं। इनके कॉम्पिटिटर में मारुति आ जाता है, इनके कॉम्पिटिटर में महिंद्रा आ जाता है, इनके कॉम्पिटिटर में फॉरेन फॉरेन प्लेयर आ जाते हैं जिनमें फॉक्स वैगन आ जाता है, इनके कॉम्पिटिटर में जनरल मोटर आ जाता है, इनके कॉम्पिटिटर में हुंडई आ जाता है। तो हर एक कंपनी कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटर्स के साथ घिरी हुई है, और ये कॉम्पिटिटर एक नहीं अनेक होते हैं। ऑलिगोपॉली मार्केट है हमारा। तो हमें कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंटल एनालिसिस करना पड़ता है, और उसके लिए माइकल पॉटर का फाइव फोर्स मॉडल हमें सहायता में लेना पड़ेगा। एवरी बिजनेस ऑपरेट इन द कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट। दुनिया का कोई भी बिजनेस काम करेगा तो वो कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट में काम करेगा, क्योंकि दुनिया का कोई भी बिजनेस मोनोपोली का बिजनेस नहीं है। एवरी बिजनेस इज ऑलिगोपॉली बिजनेस, मोर देन वन प्लेयर, तो कॉम्पिटिशन होगा। कम है, ज्यादा है, फियरफुल है, कट थ्रोट है ना, कम है, वीक है, वो अलग मैटर है, लेकिन कॉम्पिटिशन होता है। कॉम्पिटेटिव स्टेट ऑफ द इंडस्ट्री अप्लाइज ए स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन हाउ द फर्म डेवलप देयर स्ट्रेटजीज। कॉम्पिटिशन को देखते हुए हम अपनी स्ट्रेटजीज का निर्माण करते हैं कि कैसे कॉम्पिटिशन में दूसरों से आगे निकला जाएगा। पॉटर्स फाइव फोर्स एनालिसिस इज ए सिंपल, ये सिंपल तरीका है, बट एफिशियंट तरीका है, वे ऑफ डिटरमाइनिंग द की सोर्स ऑफ कॉम्पिटिशन इन द इंडस्ट्री। तो हमें अपनी इंडस्ट्री में आगे निकलने के लिए एक सिंपल और एफिशिएंट तरीके की तलाश है, जो माइकल पॉटर का फाइव फोर्स मॉडल है। इट इज ए पावरफुल एंड वाइडली यूज्ड टू, ये पावरफुल भी है और बहुत ज्यादा उपयोग में भी आता है, टू सिस्टमेटिकली डायग्नोस, डायग्नोसिस का तरीका सिस्टमेटिक है, रैंडम नहीं है ये, एंड सिग्निफिकेंट कॉम्पिटेटिव प्रेशर जो मार्केट प्लेस में एग्जिस्ट करते हैं, तो उनका अध्ययन करने का एक सिस्टमेटिक मेथोडिकल सिंपल एफिशियंट पावरफुल और वाइडली यूज मेथड माना जाता है। अंडरस्टैंडिंग द वेरिएबल्स दैट इफेक्ट द इंडस्ट्री, उससे स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करने में मदद मिलती है, प्रॉफिटेबिलिटी को बूस्ट करने में मदद मिलती है, कॉम्पिटिशन में आगे रहने में मदद मिलती है। स्ट्रेटजिस्ट में यूज स्ट्रांग पोजिशन इन द ऑर्गेनाइजेशन टू टेक एडवांटेज आउट ऑफ दिस। तो हम अपने एडवांटेज तब बना सकते हैं जब हम कॉम्पिटिशन का अच्छा सा अध्ययन कर लें। माइकल पॉटर बिलीव्ड दैट बेसिक यूनिट ऑफ एनालिसिस फॉर अंडरस्टैंडिंग इज ए ग्रुप ऑफ कॉम्पिटिटर प्रोड्यूसिंग द गुड्स एंड सर्विसेज दैट कम्पीट डायरेक्टली विथ ईच अदर। तो माइकल पॉटर साहब का कहना था कि जब भी आप अध्ययन करते हैं तो अध्ययन कैसे करो? ग्रुप में करो। ग्रुप में क्यों करना है? कि उन सारे कॉम्पिटिटर का अध्ययन करें जो आपको सेम और सिमिलर प्रोडक्ट दे रहे हैं। सेम और सिमिलर प्रोडक्ट दे रहे हैं तो आप उनका एक ग्रुप बना दो, जिसे अपन आगे चल के पढ़ेंगे, स्ट्रैटेजिक ग्रुप मैपिंग एक तरीका है जिसमें सेम और सिमिलर प्रोडक्ट जो ऑफर कर रहे हैं उनको आपस में ग्रुप में रखकर उनकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस का, मार्केट की अपॉर्चुनिटी और थ्रेट का अध्ययन किया जाता है। तो आप जो भी एनालिसिस करें वो एक ग्रुप में करें, और ग्रुप में वो सारे प्लेयर हों जो आप जैसे ही टैक्टिक्स अपनाते हैं, आप जैसे ही प्रोडक्ट एंड सर्विसेज देते हैं, सिमिलर रेंज में उनके प्राइसेज हैं, तो आपको आपस में अध्ययन करना पड़ेगा। स्ट्रांग का वीक के साथ अध्ययन नहीं करना है, हमें अध्ययन करना है सिमिलर टाइप की कंपनियों का, बड़ी कंपनियों का बड़ी के साथ, छोटी कंपनियों का छोटी के साथ, ऐसे अध्ययन करेंगे अपन। इट इज द इंडस्ट्री वेयर कॉम्पिटेटिव एडवांटेज इज अल्टीमेटली वन और लॉस्ट। इंडस्ट्री में होता है जो अच्छा होता है वो दूसरों से आगे बढ़ जाता है, बाकी पीछे रह जाते हैं। इट इज थ्रू द कॉम्पिटेटिव स्ट्रेटजी दैट ऑर्गेनाइजेशन अटेम्प्ट टू अडॉप्ट एन अप्रोच, जिससे वो इंडस्ट्री में कंपीट करेगी। द कैरेक्टर मिक्स एंड इंट्रीकेसीज ऑफ कॉम्पिटेटिव फोर्सेज आर नेवर द सेम। हर इंडस्ट्री में कॉम्पिटेटिव फोर्सेज दूसरों से अलग होती है, कभी सेम नहीं होती। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की जो कैरेक्टरिस्टिक है, कॉम्पिटिशन का तरीका है, कंपनियां हैं, वो ऑटोमोबाइल में
जो हैं वो टेलीकॉम में नहीं मिलेंगे, जो टेलीकॉम में हैं वो एफएमसीजी में नहीं मिलेंगे, जो एफएमसीजी में वो एडटेक में नहीं मिलेंगे, जो एडटेक में वो फिनटेक में नहीं मिलेंगे। हर एक की इंडस्ट्री अलग है, हर एक की कैरेक्टरिस्टिक अलग है, हर एक के काम करने का तरीका अलग है, इसलिए हर एक के यहाँ कॉम्पिटिशन के तरीके भी अलग है, कंपनियां भी अलग है, ये एक जैसे हो नहीं सकते, तो कभी एक जैसे नहीं होते हैं, ये ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं व्हाट आर द कॉम्पिटेटिव प्रेशर ऑपरेटिंग इन फाइव एरियाज। तो हम देखते हैं कॉम्पिटेटिव प्रेशर को जो पांच एरियाज में काम करते हैं, तो आइए इनकी बात कर लेते हैं पांच एरियाज की, ए बी सी डी ई, पांच तरीके। सबसे पहला है कॉम्पिटेटिव प्रेशर एसोसिएटेड विद मार्केट मनूवरिंग एंड जॉकिंग, जो कि राइवल्स के बीच में बनाती है। राइवल सेलर का मतलब कौन है? कॉम्पिटिटर। जैसे जैसे रिलायंस जियो के, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, BSNL, ये सब कौन है? राइवल्स कहलाएंगे। दूसरा है कॉम्पिटेटिव प्रेशर ऑफ न्यू एंट्रेंट, इंडस्ट्री में आने वाले नए लोग। जैसे मैं बात करूं इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में, अगर टेस्ला पुराना है ना, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में अगर टेस्ला पुराना है तो फिर कई सारी कंपनियां भारत में आजकल बनाने लगी है, वो नहीं है उनके सामने, वो उनको न्यू एंट्रेंट का नाम देंगे। तीसरा कॉम्पिटेटिव प्रेशर फ्रॉम सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल नहीं लेते तो आपको पेट्रोल डीजल पे जाना पड़ेगा, वो सब्स्टिट्यूट है। अगर आप पेट्रोल डीजल को मेन मान रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल या फिर अदर फ्यूल जो है वाली गाड़ियां क्या कहलाएंगी? सब्स्टिट्यूट कहलाएंगी। चौथा कॉम्पिटेटिव प्रेशर जो बार्गेनिंग पावर से आता है, बार्गेनिंग पावर से आता है सेलर जो बेच रहा है उससे, तो सप्लायर सेलर जो माल बेच रहा है उससे जो आ रहा है, मतलब अगर मार्केट में किसी प्रोडक्ट एंड सर्विस को देने वाले कुछ लोग ही हैं और उन्होंने आपस में जुड़ के एक नेक्सस बना दिया, कार्टेल बना दिया, ज्वाइन हैंड्स कर लिए, तो मार्केट में सप्लाई को वो कंट्रोल कर लिया करते हैं कितना बनाया जाए। जैसे आप अक्सर देखते हैं हमारे यहाँ ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री का एक संस्था है, आपस में मिलकर इन्होंने कार्टलाइजेशन कर दिया है, जिसका नाम है ओपेक, ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। अब ये डिसाइड करती है कितना प्रोडक्शन करेंगे, कितना डिमांड एंड सप्लाई का गैप बनाएंगे, जिससे तेल के भाव जो हम चाहते हैं मार्केट में वो चले। डिमांड एंड सप्लाई के गैप को ये फिक्स करते हैं, या तो माल कम निकालते हैं, प्रोडक्शन कम करते हैं तो डिमांड ज़्यादा हो जाती है तो प्राइस बढ़ जाते हैं, कभी इन्हें प्राइस गिराने होते हैं तो ये सप्लाई बढ़ा देते हैं, डिमांड उसके हिसाब से बढ़ती नहीं है तो प्राइसेस गिर जाते हैं। तो इस तरीके से ये सप्लायर सेलर कोलाबोरेशन से मार्केट को मनूवर करते हैं, कंट्रोल करते हैं। पांचवा कॉम्पिटेटिव प्रेशर फ्रॉम बायर्स कोलाबोरेशन, अगर बायर भी इकट्ठे हो जाए कि हम तो खरीदेंगे तो इस भाव ही खरीदेंगे, इससे महंगा नहीं खरीदेंगे, तो मजाल है सेलर उसको महंगा बेच देवे, है ना। हालांकि एग्जाम्पल लिखने का नहीं है, समझने का है। आप जिस मोहल्ले में, जिस एरिया में, जिस बिल्डिंग अपार्टमेंट में रहते हैं वहाँ कोई सब्जी वाला आता होगा, जब वो सब्जी वाला आता है तो घर की सारी जो लेडीज होती है, माताएं बहनें नीचे उतर के उस सब्जी वाले पास आ जाती हैं, फिर उससे मोल भाव करती हैं और आपस में सब डिसाइड कर देती है बस इस भाव तक ही लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना, और आंखों आंखों में इशारा भी हो जाता है, आपसे अंडरस्टैंडिंग होती है, उनमें जो बार्गेनिंग में सबसे तेज होती है वो डेट रेट डिसाइड कर देती है और कह देती है हम सब ले लेंगे बहनें आपस में मिलके, है ना। ऐसा आप तारक मेहता का उल्टा चश्मा में भी देखते हो, है ना, दया बहन या कोई और रेट डिसाइड कर देती है तो सब कहती है हम भी इसी भाव पे ले लेंगे, देना है तो दे वरना कोई नहीं लेगा, सब चले जाते हैं, तो फिर क्या होता है, बेचने वाले को देना ही पड़ता है क्योंकि माल तो इन्हीं को बेचना है, और अगर इन्होंने कार्टलाइजेशन कर दिया, इकट्ठा हो गए तो किसी और को माल बेच नहीं पाएंगे। तो ये तरीका आपको समझ में आता है। अब मैं इसका एक कमर्शियल एग्जाम्पल देता हूँ जो आप एग्जाम में लिख सकते हो। भारत में किसी जमाने में CDMA हैंडसेट चला करते थे, टेक्नोलॉजी का नाम है, उसमें सिटी मोबाइल होते थे, शहर के अंदर आप बिना वायर के उन फोन को कहीं भी लेके घूम लो, आप बात कर सकते थे। भारत में दो कंपनियों के पास लाइसेंस थे, एक टाटा के पास में था और दूसरा अनिल अंबानी की रिलायंस के पास था, और इन दोनों को एक अमेरिकन कंपनी क्वालकॉम हैंडसेट देती थी। इन दोनों ने आपस में हाथ मिला लिया और क्वालकॉम को बोला कि भाई भारत में अगर माल बेचेगा तो हम दोनों को ही बेचेगा, हम दोनों आपस में लड़ेंगे नहीं, हमें तो तू सस्ता बेच, तू अपनी रॉयल्टियां घटा, अगर तू अपने हैंडसेट का भाव इतना कर देता है तो तेरे से लेते हैं, वरना खूब सारी कोरियन चाइनीज कंपनियां खड़ी हैं हम उनसे माल ले लेंगे। क्वालकॉम जो अमेरिकन कंपनी थी उसको बायर्स कोलाबरेशन में झुकना पड़ा, अपने हैंडसेट की रेट कम करनी पड़ेगी, और उन कम रेटों के साथ ही उसने रिलायंस को, अनिल अंबानी को और टाटा को अपने हैंडसेट दिए। तो सेलर का कोलाबरेशन जहाँ खतरनाक होता है वहीं बायर का कोलाबरेशन भी खतरनाक होता है। तो पांच फोर्सेस कौन सी होगी? राइवल्स मतलब कॉम्पिटिटर्स,
न्यू एंट्रेंट मतलब नए आने वाले, सब्स्टिट्यूट मतलब इस प्रोडक्ट के अलावा जो यूज किया जा सकता है, जैसे चाय और कॉफी एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट माने जाते हैं। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप ये सब कुछ पढ़ के आ चुके हैं जो है बीसी के, और इकोनॉमिक्स का जो पेपर है पेपर नंबर 4 हमारा फाउंडेशन के अंतर्गत। सप्लायर्स का आपस का कोलाबोरेशन जैसे ओपेक का एग्जाम्पल, और बायर्स का आपस का कोलाबोरेशन जैसे क्वालकॉम का एग्जाम्पल, इनसे आप चीजों को समझ सकते हो। बात आई क्या सबको समझ में? क्या ये 5 फोर्सेस का समझ में आ गया? अब आओ इनको पहले डायग्राम के तौर पे देख लेते हैं, 5 फोर्स के मॉडल को। क्या है ये डायग्राम? देखो, माइकल पॉटर्स 5 फोर्स मॉडल ऑफ कंपटीशन। ठीक है, आप किसी भी ऑर्डर में इसको बना सकते हो, मैं आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले चलता हूं। कोई भी फैक्टर ऊपर नीचे बनाया जा सकता है इसमें। तो पहला फैक्टर है पोटेंशियल थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट, तो जो नए एंट्रेंट है ये हमारा पहला फैक्टर हो गया। अगर ये पावरफुल है नया एंट्रेंट तो मार्केट को ही नई दिशा दे देता है। जैसे जियो ने जब एंट्री मारी 2015-16 में, और जिस तरीके से एंट्री मारी पूरा टेलीकॉम मार्केट इसने बदल के रख दिया। तो इफ योर न्यू एंट्रेंट इज अ पावरफुल कॉम्पिटिटर फंडेड बाय सो मनी सो मच, तो फिर वो क्या करेगा, इंडस्ट्री की दशा और दिशा ही बदल के रख देगा। तो नए एंट्रेंट से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ये नया एंट्रेंट नई तकनीक, नई प्राइसिंग पॉलिसी, नई स्ट्रैटेजी के साथ आता है, और मार्केट को डिसरप्ट भी कर सकता है, बदल सकता है। तो हम इसमें एग्जाम्पल ले लेते हैं जियो का। जियो का आना न्यू एंट्रेंट के तौर पे टेलीकॉम को बदल गया। दूसरा होता है बायर, खरीदार। तो हमने कहा था खरीदार हैं हमारे कौन कौन से, खरीदार कौन कौन से थे हमारे, टाटा एंड अनिल अंबानी, CDMA हैंडसेट, इससे फ्रॉम क्वालकॉम, QUAL क्वालकॉम, इस कंपनी से खरीदते थे। बायर्स के कोलाबोरेशन से झुकना पड़ा, तो ये हो गया बायर्स। दूसरा बायर्स का एग्जांपल दे दिया मैंने। तीसरा, फर्म्स इन द सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, फर्म जो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट के तौर पे आती है, तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सब्स्टिट्यूट हो रहे हैं अब हमारे। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स आर सब्स्टिट्यूटिंग द पेट्रोल एंड डीजल व्हीकल। मुझे सड़क पे आजकल मेरे शहर जोधपुर में अगर व्हीकल मैं देखूं, टू व्हीलर की बात करूं, तो सड़क में 5 में से 3 व्हीकल इलेक्ट्रॉनिक नजर आ रहे हैं। नए जनरेशन के बच्चों के पास में तो सबके पास यही है, क्योंकि माँ बाप ने उनको लेके ये दिया है। मैंने भी अपने दोनों सन के लिए यही किया। मैंने कहा दोनों बड़े हो गए हैं तो हर दिन रोज आके देंगे, पापा 500 रुपये दे दो, 1000 रुपये दे दो, पेट्रोल भराना है और कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है मैं कंट्रोल करूँ, उसके बजाय इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल ला के दे दो, खुद ही देखभाल करो, खुद ही चार्ज करो, रोज चलाओ, है ना। 120 किलोमीटर एक सिंगल चार्जिंग में पूरी बैटरी फुल होने पे चल सकती है। मेरा शहर इतना बड़ा है ही नहीं कि 120 चला ले, में कई दिन तक बैटरी चलती है, रोज मर्जी है कहाँ आओ जाओ, कोई रोक टोक नहीं है, हम देख ही रहे हैं, है ना। आज की जनरेशन में पैदल कोई चलता ही नहीं हमारे, या तो हम ऑनलाइन UPI के माध्यम से पे करके कुछ भी मंगा लेते हैं घर पे, या घर से बाहर पड़ोस में भी जाना होता है किसी किराने की दुकान पे, किसी मोबाइल चार्जिंग की दुकान पे, तो हम पैदल नहीं चलते हैं, हम गाड़ी उठाते हैं और चले जाते हैं, चाहे 2-व्हीलर हो या 4-व्हीलर हो। तो ऐसी स्थिति में फ्यूल एक्सपेंडिचर को खत्म करने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल एक अच्छे सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं। मैंने भी उसका उपयोग किया है और दुनिया उसका उपयोग कर रही है, समझदारी इसी में। चौथा फैक्टर होता है आपका सप्लायर का। सप्लायर मतलब मैंने ओपेक का एग्जाम्पल दिया, ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जिसमें ईरान आ जाता है, जिसमें सोवियत यूनियन आ जाता है, जिसमें इराक आ जाता है, जिसमें और भी कई देश आ जाते हैं, सऊदी अरेबिया आ जाता है, UAE आ जाता है, यमन आ जाता है, है ना, ऐसे कई कतर आ जाता है, ऐसे कई देश आ जाते हैं, जो पेट्रोल को जमीन से जो है वो प्रोडक्शन करके बेच रहे हैं। तो इन लोगों ने अगर आपस में मिलकर एक संस्था बनाई है, ओपेक, ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, वेनेजुएला आ जाता है इसमें, ब्राजील आ जाता है, तो ये डिसाइड करते हैं कितना प्रोडक्शन पर डे किया जाए, कितना बैरल पर डे प्रोड्यूस किया जाए, ताकि डिमांड एंड सप्लाई का गैप बनाया जा सके और हमारे प्रॉफिट मार्जिन स्थिर रहे। तो ये अक्सर रेटों को डिसाइड करने के लिए ओपेक के तौर पे, संस्था के तौर पे ऐसा करते हैं। समझाने के लिए मैं बात करूं, वैसे तो सारी स्कूल वाले आपके शहर में जो होंगे एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हैं, लेकिन जैसे ही सेशन खत्म होता है ये आपस में कॉम्पिटिटर लोग एक जगह मिलते हैं, गेट टुगेदर करते हैं, और अगले साल की प्राइस हाइक 10-15% जो फीसों में करनी होती है उन पे एक राय बनाते हैं, और उसके बाद सब लोग फीस बढ़ा देते हैं, कोई भी पीछे नहीं रहता है। तो होता क्या है,
एक साथ मिलकर इन सारे सप्लायर्स ने, जो आपस में कॉम्पिटिटर भी हैं, अपना फायदा बढ़ाने के लिए प्राइसेस को हाइक कर दिया। अब बायर की चलती नहीं है क्योंकि हर एक स्कूल में प्राइस बढ़े हुए हैं, आप कहां जाएंगे, हर एक का बढ़ा हुआ है। और पांचवा फैक्टर है राइवलरी अमंग द एग्जिस्टिंग प्लेयर्स, जिसको अपन कॉम्पिटिटर्स कहते हैं। तो ये जो कॉम्पिटिटर्स हैं अपने, वो एक दूसरे से हमेशा कंपीट करते रहते हैं, जैसे पेप्सी वर्सेस कोक। पेप्सी और कोक की जो है ना, घोषित कंपटीशन है पूरी दुनिया भर में, हर प्रोडक्ट, हर प्राइस, हर कस्टमर को लेके आपस में एक दूसरे से कंपीट ही करते रहते हैं। तो हमने माइकल पॉटर के पांच फोर्सेस को इस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में समझा। आप डायग्राम भी एग्जाम में बना सकते हैं। पहला क्या बनाओगे, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट, पोटेंशियल थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट, एग्जाम्पल जियो का। सेकेंड, कॉम्पिटिटिव प्रेशर कमिंग फ्रॉम बायर्स, एग्जाम्पल टाटा और अनिल अंबानी के हैंडसेट सीडीएमए वाले, क्वालकॉम के ऊपर प्रेशर डाल के कम रॉयल्टी में लिए गए। तीसरा, कॉम्पिटिटिव प्रेशर फ्रॉम सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का, आप थ्रेट देखते हैं पेट्रोल डीजल के ऊपर, ऑल्टरनेट फ्यूल का थ्रेट देखते हैं। चौथा, सप्लायर का प्रेशर इकट्ठा होकर काम करना, ओपेक का एग्जाम्पल। और पांचवा, राइवलरी अमंग द एग्जिस्टिंग प्लेयर, जिसमें हम बात करते हैं पैप्सी और कोक की, जिनका घोषित आपस में कॉम्पिटिशन है हर प्रोडक्ट एंड कस्टमर को लेके। क्या ये डायग्राम आपको समझ में आया? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जरा चैट में मुझे बताएं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले कोर्स में कई बार इस पे सवाल पूछा गया है। एक्सप्लेन द माइकल पॉर्टर्स 5-4 मॉडल विद एग्जाम्पल। तो डायग्राम भी बनाना है, एग्जाम्पल भी देना है। मैंने जैसा आपको बताया है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन को लिखने का तरीका है, सबसे पहले एक बढ़िया 2-3 लाइनों से हम समराइज करेंगे उस सवाल को जो पूछा जा रहा है, फिर डिटेल में उसका आंसर देंगे, फिर ऐसा एक डायग्राम बनाएंगे और उसमें रियल टाइम एग्जाम्पल देंगे जो बत्रा सर आपको क्लासेस में दे रहे हैं। जब ऐसा आप करके आओगे तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में जो 5 नंबर का आने वाला है, आपके 4, 4.5 आने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरे लोगों के जहाँ 1 या 2 नंबर ही आएंगे, क्योंकि वो ना डायग्राम बनाते हैं और न ही इसका एग्जाम्पल देते हैं, वहीं पे आपका प्रेजेंटेशन स्किल बत्रा सर के अनुसार, और जब वर्चुअल टेस्ट लेंगे मैं उन्हें सुधार भी दूंगा, अगर इनिशियल लेवल पे आपके आंसर वैसे नहीं आएंगे तो वर्चुअल टेस्ट में हम ऐसे आंसर देने के लिए आपको मजबूर करेंगे, क्योंकि हम स्टेप वाइज मार्किंग जैसे आईसीएआई करती है, वैसे ही मैं भी आपको करके दूंगा। तो आपको समझ में आ जाएगा हमें क्या लिखना है, कितना लिखना है, किस लेवल पर लिखना है। तो ऐसा एक डायग्राम, ऐसा एक एग्जाम्पल आपको एग्जाम में मदद करेगा अच्छा स्कोर करने में।